हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हो, सेफ हो। सो इन टुडेस वीडियो आई एम बैक विद दी अनदर रिव्यू वीडियो। और आज जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो होगा एक स्किन केयर प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट है वो है ये है डॉट एंड की का विटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट मॉइस्चराइजर। सो या आप इस प्रोडक्ट को देख सकते हो। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग के बारे में बात कर लेते हैं। एज यूजुअल, जैसा कि मैं हमेशा बात करती आ रही हूँ, सबसे पहले इसकी पैकेजिंग को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये इसी तरीके से कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ था। येलो कलर की इसकी कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है और ये इस तरीके से है। ऐसे जैसे कोई हाउस होता है ना, हम बनाते हैं किसी भी कार्डबोर्ड के पेपर से, तो उस तरीके से ही है। बहुत क्यूट इसकी पैकेजिंग है और इसके आउटर पैकेजिंग पे ही सारा डिटेल लिखा हुआ है इस प्रोडक्ट का। मीन्स इसकी प्राइस क्या है, इसकी नेट क्वांटिटी, इसकी सेल्फ लाइफ, इसके इंग्रेडिएंट, सब कुछ लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को पहले इसका प्राइस बता देती हूँ। इस प्रोडक्ट की प्राइस है 395 रुपीज और इसकी नेट क्वांटिटी है 25 ml की और इसकी सेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स की। और इसका बड़ा मीन्स बड़ा क्वांटिटी भी आता है इसका, वो है 60 ml का जिसकी प्राइस है 595 रुपीज। तो आप चाहो तो बड़ा वाला भी बॉक्स ले सकते हो। तो कार्डबोर्ड की पैकेजिंग पे ही किस तरीके से इसे यूज करना है वो भी लिखा हुआ है और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी लिखा हुआ है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है, किसी भी प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट लिस्ट अगर हमें देखने को पढ़ने को मिल जाता है, हमें जानने को हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है हमारे लिए, ताकि हम समझ सके कि ये जो इंग्रेडिएंट है हमारे स्किन को सूट कर रहा है या नहीं, किस तरीके से वर्क करेगा, क्या क्या है। मीन सब कुछ हमें पता होता है कि जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो हमारे लिए वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये चीज़ तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे कि चलो इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है वो काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है बॉक्स पे। तो आप एक बार सब कुछ डिटेल चाहो तो आप पढ़ सकते हो, इसकी आउटर पैकेजिंग को देख सकते हो। जब आप इसे ओपन करोगे ना, तो ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से नजर आता है। तो आप देख सकते हो इसकी इनर पैकेजिंग जो है मीन सुपर डुपर क्यूट है गाइज। आप देख सकते हो ये येलो कलर का कैप जो है ना, वो तो मीन्स बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही प्यारा लगता है, काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। पैकेजिंग वाइज तो सुपर है, कमाल है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही क्यूट है। ये जो है ना, ये एक ग्लास बॉटल में आता है, आप देख सकते हो। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा क्योंकि ये गिर के टूट सकता है आराम से। सो गाइज, जब आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर भी एक प्लास्टिक का लिड मिलता है आपको, जो कि मैंने इसे इतना यूज किया कि मैंने कहीं ना कहीं तो उसे खो दिया है। तो यहाँ पे प्लास्टिक का लिड मिल जाता है, तो आप लगा दो एंड फिर आप कैप को लगा दो, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो लीक भी नहीं करेगा, गिरेगा नहीं, स्पिल नहीं करेगा। सो आप प्रोडक्ट देख सकते हो, ये क्रीम को देख सकते हो और आप ये भी देख सकते हो कि मैंने कितना यूज कर दिया, कितना नहीं, आप ऐसे बोल सकते हो कि अब इसमें बचा ही नहीं है यूज करने के लिए। वैसे भी मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि अच्छा अब मैं रिव्यू कर दूं क्योंकि फिर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो अब मुझे लगा कि नहीं, अब सिर्फ एक ही यूज के लिए है, तो चलो क्यों ना आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूं। मैंने इसे ऑर्डर किया है या नहीं किया है वो भी मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, क्या ये मुझे पसंद आया या नहीं, मैं इसका दूसरा डब्बा लूंगी या नहीं, ये मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में जरूर बताने वाली हूँ। ये जो प्रोडक्ट है ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, 100% सेफ है। तो ये ब्रांड जो है इस प्रोडक्ट के बारे में क्लेम करता है कि इसमें आपको बहुत ही अच्छा एक ग्लो प्रोवाइड होगा जब आप इसे यूज करोगे, तो आपके स्किन को ये ब्राइटर, यंगर एंड ग्लोइंग लुकिंग स्किन बनाएगा, आपके पिगमेंटेशन को फेड करेगा, डलनेस को रिमूव करेगा, आपके कोलेजन प्रोडक्शन को वो प्रमोट करता है। सो या ये सारी चीजें ब्रांड जो है इस प्रोडक्ट के बारे में क्लेम करता है। तो मैं आप लोगों को इसे निकाल कर दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से येलो कलर का है। तो सबसे पहले तो हम इसकी कंसिस्टेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। ये कम्प्लीटली वाटर बेस्ड जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है जो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, काफ़ी अच्छे से आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी ग्रीसी, ऑयली, स्टिकी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करता है और काफ़ी अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है। एंड गाइज, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू नोटिस दिस ग्लो गाइज, क्योंकि आप देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो मिल रहा है। नाउ कमिंग टू द फ्रेग्रेंस, जब आप इसे स्मेल करोगे ना, वाओ, मीन्स पर्सनली मीन्स मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है इसकी फ्रेग्रेंस जो है, मुझे कोई पर्सनली दिक्कत नहीं है। और जब आप इसे इस तरीके से स्मेल करोगे ना, ऐसा लगता है ना कि इसमें ऑरेंज कट करके रखा हुआ है, बस फिल किया हुआ है ऑरेंज, बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत ही स्ट्रांग स्मेल है या फिर बहुत ही ओवर पावरिंग है, बिल्कुल भी नहीं। सो या फ्रेग्रेंस वाइज भी बहुत ही सही है। Now coming to the ingredient list, guys, it is packed with natural ingredient and some amazing active which will make your skin look younger and brighter.
just because it has vitamin C, and vitamin C has antioxidant property which will help boosting collagen production, और उसकी वजह से आपका स्किन जो है यंगर, ब्राइटर और हेल्दियर नजर आएगा. सो विटामिन सी हैज बंच ऑफ बेनिफिट्स गाइस, एंड अलोंग विद विटामिन सी इट हैज एस्कॉर्बिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड टू, जो आपकी स्किन के आउटर सरफेस को एक्सफोलिएट करेगा और जो भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होगी, डलनेस की प्रॉब्लम होगी, डार्क स्पॉट्स, एक्ने मार्क्स, उसको रिड्यूस करेगा. एंड नॉट ओनली विटामिन सी गाइज, इट हैज विटामिन ई ऑल्सो, हमें उसे भी भूलना नहीं चाहिए, विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम द हार्मफुल रेडिकल्स. एंड इट हैज नायासिनामाइड टू, इट हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, जो आपकी स्किन को क्लियर बनाता है और आपकी स्किन में एक अच्छा सा रेडियंट ग्लो प्रोवाइड करता है. सो या ये तो थे इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स. नाउ कमिंग टू द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, तो इसमें काकाडू प्लम एंड ब्लड ऑरेंज है जो मेन सोर्स है विटामिन सी का. सो या मीन्स सारे ही इंग्रेडिएंट्स जो है कमाल के हैं और काफी अच्छे उसके बेनिफिट्स हैं. सो अब मैं आप लोगों को इसे बताती हूँ कि आपको इसे यूज कैसे करना है. वैसे यूज करने से पहले आप इसको चेक भी कर सकते हो, इस पे लिखा भी हुआ है डायरेक्शन फॉर यूज. तो अब मैं आप लोगों को इसे यूज करके दिखा देती हूँ. सो सबसे पहले तो आपको अपने फेस को क्लीन करना है, क्योंकि ऐसे भी जब आप स्किन केयर रूटीन फॉलो करोगे या फिर स्किन पे कुछ अप्लाई करो, अपने फेस पे कुछ अप्लाई करो, तो फेस को सबसे पहले क्लीन कर लो, फेस वॉश कर लो. तो ये मैंने लिया इस तरीके से, इसे लगाया एंड देन मसाज कर लूंगी. इतने अच्छे से ये एब्जॉर्ब हो जाता है ना स्किन में. सी आपका स्किन जो है ना लगाने के बाद ना बिल्कुल, मतलब बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लगेगा, बिल्कुल भी ऑयली या ग्रीसी नहीं लगेगा. बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, काफी अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को, और आपका स्किन जो है ना बहुत ही हेल्दियर फील करेगा, बहुत ही प्लम फील करेगा. तो आप देख सकते हो मेरे स्किन को. सो मैं सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप इसे यूज करो ना डे टाइम पे, वैसे तो आप इसे यूज कर सकते हो डे टाइम पे भी, नाइट टाइम पे भी, बट और मैं दोनों ही टाइम पे इसे यूज करना पसंद करती हूँ. तो जब आप डे टाइम पे इसे लगाओ ना, तो डे टाइम पर इस क्रीम को लगाने के बाद आप सनस्क्रीन जरूर लगाओ, मस्ट है ये, हमेशा इस बात का ध्यान रखना. सो मैं यूज कर रही हूँ ये अर्थ रिदिम का सनस्क्रीन, और सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो आपने देखा कि मैंने इसे कैसे यूज किया, बस आपको क्लीन एंड क्लियर फेस होना चाहिए एंड देन आप इसको यूज कर लो. मैं इसको दोनों टाइम पे ही यूज करती हूँ, नाइट टाइम पे भी, डे टाइम पे भी यूज करती हूँ, नाइट टाइम पे भी. डे टाइम पे मैं सजेस्ट करूंगी कि जब आप डे टाइम पे इस मॉइस्चराइजर को यूज करो ना, तो आप सनस्क्रीन जरूर लगाओ, मस्ट है गाइस. अगर आप नाइट टाइम पे यूज कर रहे हो तो आप चाहो तो इसको लगाने के बाद आप सीरम यूज कर सकते हो. सो गाइस, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपर पिगमेंटेशन और अनइवन स्किन टोन और डार्क स्पॉट्स और एक्ने मार्क्स, तो दिस प्रोडक्ट इज फॉर यू गाइस. डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए, मुझे तो बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा. सो इन माय ओपिनियन गाइस, मुझे तो ये पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा. इसको यूज करने के बाद जो है ना, मेरा स्किन जो है, मुझे फील हो रहा है कि मेरे स्किन पे एक ग्लो आया है, एक ब्राइटनिंग इफेक्ट मुझे देखने को मिलता है, मेरा स्किन जो है बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सपल मुझे लगता है. सो अब मैं आप लोगों को ये बता दूं, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी कि ये प्रोडक्ट जो है मेरा जैसे ही पूरा ही खत्म हो गया, तो मैं इसे दोबारा परचेस करूंगी या नहीं. तो गाइस, मैं इसे दोबारा परचेस करूंगी नहीं, मैंने ऑलरेडी परचेस कर लिया, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया. अभी वो रहता तो मैं आप लोगों को दिखा भी देती, या फिर आने वाले मेरे हॉल्स ये सब में आप देख सकोगे. सो या मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा कि मैंने उसे दोबारा भी खरीदा है. और दूसरी चीज मैं आप लोगों को ये बोलूंगी कि अगर आप सेंसिटिव स्किन वाले हो तो आप पैच टेस्ट जरूर कर लेना इसको यूज करने से पहले. ऐसे भी आप किसी भी स्किन टाइप वाले हो ना, किसी भी नए प्रोडक्ट को यूज करने से पहले आप हमेशा एक पैच टेस्ट ले लिया करो. और दूसरी चीज, ये प्रोडक्ट जो है ये ऑल स्किन टाइप है, मींस अगर आप ऑयली स्किन वाले हो तो भी इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, ड्राई स्किन वाले हो तो भी इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो. मेरी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मेरी स्किन यहाँ पर तो नॉर्मल रहती है, बट टी जोन जो है ना मेरा वो ऑयली रहता है, तो फिर भी मुझे ये प्रोडक्ट जो है मुझे कमाल का लगता है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा. सो लास्टली आई विल से डेफिनेटली इफ यू वांट टू ट्राई, यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट गाइस. आई विल हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू यू गाइस, मुझे बहुत ही अच्छा लगा. सो या दिस इज इट, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए, वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छी लगी. तो अगर अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो अहेड एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, इट एब्सोल्युटली फ्री और मेरे लिए बहुत ही हेल्प हो जाएगी। सो या और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगी ना तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और फिर आप लोगों से मेरी कोई वीडियो नहीं मिस होगी। सो या सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।